आज प्रधानमंत्री मोदी कर्नाटक दौरे पर हैं। मोदी बेंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट के टर्मिनल 2 का उद्घाटन करने के साथ वंदे भारत ट्रेन को भी हरी झंडी दिखाएंगे। बेंगलुरु के केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के टर्मिनल 2 को खास तरीके से बनाया गया है। करीब 2.5 लाख वर्ग मीटर क्षेत्र में फैले इस टर्मिनल के गेट लाउंज में करीब 6,000 यात्रियों के बैठने की व्यवस्था होगी। इसमें 22 कॉन्टैक्ट गेट, 15 बस गेट व 17 सिक्योरिटी चेक लेन होंगे। इसे टर्मिनल इन अ गार्डन की अवधारणा के साथ बनाया गया है, जहां यात्रियों को सुखद एहसास होगा। यहां चारों तरफ हरियाली होगी। गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने पहली सूची जारी करने के बाद अब प्रत्याशियों की दूसरी सूची भी जारी कर दी है। कांग्रेस की दूसरी सूची में 46 उम्मीदवारों के नाम हैं। इसके पहले कांग्रेस पार्टी ने पहली सूची में 43 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया था। कांग्रेस ने ज्यादातर मौजूदा विधायकों को दोबारा मैदान में उतारा है। गुजरात में 1 और 5 दिसम्बर को 2 चरणों में विधानसभा चुनाव होंगे, वहीं वोटों की गिनती 8 दिसम्बर को होगी। केरल में राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान को विश्वविद्यालय के चांसलर पद से हटा दिया गया है। इसके लिए सरकार ने नियमों में बदलाव किया है। एलडीएफ सरकार ने केरल के कला मंडलम डीम्ड विश्वविद्यालय के चांसलर के पद से राज्य के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान को हटाया। आरिफ मोहम्मद खान को विश्वविद्यालय के चांसलर पद से हटाए जाने के बाद अभी जिम्मेदारी कला और संस्कृति से जुड़े अन्य प्रतिष्ठित व्यक्ति को सौंपी जाएगी। जेल से रिहाई के बाद शिवसेना के फायरब्रांड नेता और उद्धव ठाकरे के करीबी संजय राउत के सुर बदल गए हैं। उन्होंने कहा कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करेंगे और उनके साथ जो भी हुआ वो पूरी बात बताएंगे। संजय राउत ने कहा कि वो जल्द ही महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस से भी मुलाकात करेंगे। उन्होंने शिंदे सरकार की तारीफ की और कहा कि महाराष्ट्र की सरकार देवेंद्र फडणवीस ही चला रहे हैं। रिहाई के अगले दिन संजय राउत ने उद्धव ठाकरे से मुलाकात की। वो एनसीपी प्रमुख शरद पवार से भी मिले। संजय राउत पर पात्रा चौल घोटाले का आरोप है और बुधवार को 102 दिनों बाद जेल से उनकी रिहाई हुई है। हिमाचल प्रदेश में चुनाव प्रचार का शोर थम गया। आखिरी दिन बीजेपी और कांग्रेस के दिग्गजों ने दम दिखाया। गृह मंत्री अमित शाह ने पालमपुर में रैली की और कॉमन सिविल कोड लागू करने का वादा किया। बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी प्रचार के आखिरी दिन हिमाचल के लोगों से बीजेपी के लिए वोट मांगे। उधर सिरमौर में कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी ने रैली की और केंद्र से लेकर राज्य की बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा। आखिरी दिन प्रचार करने वाले कांग्रेस के दिग्गजों में छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल और राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट भी शामिल रहे। दिल्ली में एमसीडी की लड़ाई हर रोज तेज होती जा रही है। बीजेपी ने वचन पत्र जारी किया है, जिसमें साफ पानी और झुग्गी वालों को घर देने का वादा किया गया है। बीजेपी के वचन पत्र पर आम आदमी पार्टी ने सवाल किया और पूछा कि 2017 में पार्टी ने जो वादे किए थे उनका क्या हुआ। इस बीच एमसीडी चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी ने वॉर रूम की शुरुआत कर दी। उधर कांग्रेस ने एमसीडी चुनाव के लिए जो कमेटी बनाई है उस पर विवाद शुरू हो गया है। कमेटी में जगदीश टाइटलर के नाम को लेकर बीजेपी और आम आदमी पार्टी हमलावर है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव एक बार फिर चुनावी मैदान में हैं। वो मुलायम की सीट मैनपुरी से लोकसभा उपचुनाव लड़ेंगी। मुलायम के निधन के बाद ये सीट खाली हुई है, जिस पर 5 दिसंबर को वोटिंग है। सियासी दंगल में डिंपल यादव की वापसी 3 साल बाद हो रही है। 2019 में उन्होंने कन्नौज से लोकसभा चुनाव लड़ा था, लेकिन वो बीजेपी के सुब्रत पाठक से हार गई थी। 44 साल की डिंपल 5वीं बार चुनावी जंग में अपनी किस्मत आजमाएंगी। मैनपुरी समाजवादी पार्टी की पारिवारिक सीट है। 1996 में यहां मुलायम सिंह यादव ने पहली बार चुनाव लड़ा था। रामपुर में विधानसभा उपचुनाव का रास्ता साफ हो गया है। सेशन कोर्ट ने समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता आजम खान की अर्जी खारिज कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को आजम खान की रामपुर सदर सीट के लिए 10 नवंबर को जारी होने वाली उपचुनाव की अधिसूचना को 1 दिन के लिए रोक दिया था। आजम खान को 2019 में दर्ज हेट स्पीच के केस में दोषी करार देते हुए MP MLA कोर्ट ने 3 साल की सजा सुनाई थी, जिसके बाद उनकी विधायकी रद्द कर दी गई थी। आज सुप्रीम कोर्ट ज्ञानवापी केस पर दोपहर 3 बजे के बाद सुनवाई करेगा। सुनवाई के लिए नई बेंच का गठन किया जाएगा।
दरअसल ज्ञान व्यापी मस्जिद में कथित शिवलिंग क्षेत्र को संरक्षित रखने का सुप्रीम कोर्ट का आदेश 12 नवंबर को खत्म हो रहा है। इसीलिए हिंदू पक्ष आज सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई, जिस पर चीफ जस्टिस ने सुनवाई की और आज सुनवाई के लिए नई बेंच बनाने की बात की। याचिका में मांग की गई कि मस्जिद के भीतर शिवलिंग के संरक्षण और सुरक्षा को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने जो अंतरिम आदेश जारी किए हैं उसे आगे बढ़ाया जाएगा। दिल्ली शराब घोटाले में ईडी ने दो लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए आरोपियों में अरबिंदो फार्मा ने शरद रेड्डी और विनय बाबू हैं। दोनों हैदराबाद के टॉप फार्मा कंपनी के कारोबारी हैं। इस मामले में अब तक 4 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। इससे पहले सीबीआई ने आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता और एक मीडिया कंपनी के पूर्व सीईओ विजय नायर, हैदराबाद के कारोबारी अभिषेक बोइनपल्ली को गिरफ्तार किया था। दिल्ली में नवंबर 2021 में नई आबकारी नीति लागू की गई थी, जिसको लेकर दिल्ली सरकार पर घोटाले के आरोप हैं।